of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature, standard 4, lesson 6. The name of the story is about the Jurassic Age. Jurassic Age के बारे में पढ़ना है आज. The present is truly called the age of man. The present age, यानी वर्तमान का जो उम्र है सचमुच में यह मनुष्य का उम्र कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन दिस वर्ल्ड. क्योंकि मनुष्य जो है इस संसार में सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है. इट इज देयर इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स मैन टू डोमिनेट एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम. इट इज देयर इंटेलिजेंस, यह उनकी बुद्धि का ही प्रभाव है या महत्व है. दैट हेल्प्स टू डोमिनेट, जो महत्व दिया शासन करने का और राज्य करने का द होल लिविंग किंगडम, पूरे साम्राज्य पर, यानी पूरे साम्राज्य पर शासन करने का महत्व को बताया. ही हैज स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन, उसने सबसे ऊंची पहाड़ों को भी नाप दिया, स्केल कर दिया है. बिल्ट ब्रिज ओवर द माइटी रिवर्स, और ताकतवर जो नदियां हैं, जो शक्तिशाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन पर ब्रिज बना दिया है, बिल्ट कर दिया है. बिल्ट ब्रिज ओवर द माइटी रिवर्स एंड मेड हिज वे थ्रू द डेजर्ट एंड द सीज, और मरुभूमि में भी और समुद्रों में भी उसने अपना रास्ता बनाया. बट थिंग्स वेयर नॉट द सेम इन द एंशियंट टाइम. एंशियंट माने होता है प्राचीन, पुराना. बट थिंग्स वेयर नॉट द सेम, सेम माने एक समान, परंतु चीजें जो हैं समान नहीं हैं, समान नहीं थे इन द एंशियंट टाइम, पुराने समय में. अबाउट 230 मिलियन ईयर्स एगो, करीब 230 मिलियन ईयर्स पहले, साल पहले, 230 साल पहले, द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय द जाइंट रिपिटाइल्स. रिपिटाइल्स कहते हैं सरीसृप, जो रेंग करके जीव चलता है उसको रिपिटाइल्स कहते हैं. जैसे छिपकली हो गया आपका, फिर लिजार्ड हो गया, लिजार्ड या क्रोकोडाइल, ये सब रेंग करके चलते हैं, हम लोगों की तरह नहीं चलते, या चतुष्पद की तरह नहीं चलते, रेंग करके चलते हैं, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके, उसी को रेपिटाइल्स कहते हैं. तो 230 साल पहले संसार पर शासन चलता था विशाल रेपिटाइल्स का, विशाल सरीसृप का, रेंग करके चलने वाले जीवों का. इट लास्टेड अप टू 65 मिलियन ईयर्स एगो, और यह करीब 65 मिलियन ईयर्स बाद तक यह चला, यानी उसका राज्य. तो इट वाज आल्सो कॉल्ड द जुरासिक एज, और इसी एज को जुरासिक एज कहा जाता था, जिस एज में सरीसृप का, रिप्टाइल्स का शासन चलता था, उसी एज को जुरासिक एज कहा जाता था. These giants reptiles are called dinosaurs. ये सरीसृप जीव जो थे कहे जाते थे dinosaurs. Dinosaur का मतलब नहीं, dinosaur नाम एक जीव का जो बहुत ही विशाल होता है, dinosaur. The word dinosaur means a very big fearful lizard. डायनासोर का मतलब होता है एक बहुत ही डरावना और भयानक लिजार्ड, यानी छिपकली. छिपकली की प्रजाति का ही है, लेकिन बहुत ही बड़ा है, विशाल है, ह्यूज है. द डायनासोर्स वेयर रिलेटेड टू द प्रेजेंट डे क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स. ये डायनासोर जो थे वे रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे आज के क्रोकोडाइल और
छिपकली से, द वर्ल्ड इन द जुरासिक एज मे बी कॉल्ड ए जुरासिक पार्क, द वर्ल्ड इन द जुरासिक एज, उस समय संसार जो था वर्ल्ड को, उस वर्ल्ड को, संसार को जुरासिक एज को कहा जाए, जुरासिक एज को कहा जा सकता था जुरासिक पार्क। बिसाइड जाइंट रेपिटाइल्स, इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े जो विशाल जो रेपिटाइल्स जो थे, सरीसृप जो थे, इट कॉन्टेन्ड द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ये निर्भर रहते थे फ्लावरिंग प्लांट पर, यानी फूल किस्म वाले पौधे पर, कोन बींग प्लांट्स, जैसे कोन बींग, कोन बियरिंग का मतलब होता है ऐसा वृक्ष जिसकी पत्तियां सुई की समान नुकीली होती हैं ऊपर की ओर, उसी को कोन बियरिंग कहते हैं। तो ये खाते थे, निर्भर रहते थे कोन बियरिंग प्लांट्स पर, एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स, न्यूमरस का माने होता है अनेक, तो ये अनेक कीड़े मकोड़े खा करके भी अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कीड़े मकोड़े खा करके और नुकीली वृक्षों वाली पत्तियों को खा करके अपना जीवन गुजारते थे। देयर वेयर क्रोकोडाइल्स ऑल्सो, ये क्रोकोडाइल भी थे उसी में, उसी किस्म के। इन द जुरासिक एज द अर्थ वाज क्वाइट वार्म, इन द जुरासिक एज, जुरासिक एज में जो पृथ्वी थी वह बहुत ही वार्म, गर्म थी। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वेयर लैंड एनिमल्स, अधिकतर जो डायनासोर थे वे धरती पर रहने वाले थे। दे लिव्ड इन वेट लैंड्स, वे गीली भूमि पर रहते थे, नियर द रिवर्स, नदियों के नज़दीक। सम लिव्ड इन वाटर, कुछ जल में रहते थे। सम ऑफ देम कुड इवन फ्लाई, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो उड़ते थे। मेनी ऑफ देम वेयर वेरी बिग, उनमें से बहुत ऐसे थे जो बहुत बड़े थे। सम वेयर क्वाइट स्मॉल, और कुछ बहुत छोटे भी थे। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वेयर प्लांट ईटर्स, अधिकतर जो डायनासोर थे वे पौधे खाने वाले थे। बट सम डायनासोर्स वेयर फ्लेश ईटर्स, परंतु कुछ मांस भक्षी थे, कुछ मांस खाने वाले थे डायनासोर। मेनी ऑफ देम वेयर मोर देन 10 मीटर्स टॉल एंड अप टू 28 मीटर्स लॉन्ग, उनमें से बहुत सारे डायनासोर ऐसे थे जो 10 मीटर टॉल यानी 10 मीटर लंबे, 10 मीटर से लेकर के और 28 मीटर तक लंबे पाए जाते थे। दे वेयर मेनी टाइम्स हेवियर देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट्स, वे इतने विशाल थे कि आज के हाथी से भी वे हेवियर थे, यानी ज्यादा वजनदार थे। वर्तमान में जो हाथी है वो हाथी के वजन से डायनासोर्स ज्यादा वजनदार थे। देयर नेक्स एंड टेल्स वेयर वेरी लॉन्ग, उनके गर्दन और पूंछ बहुत लंबे होते थे। एमोंग देम ट्राइनासोर्स, देखिए डायनासोर और एक है ट्राइनासोर, दो किस प्रजाति है इसमें। एमोंग देम और उनके बीच में ट्राइनासोर स्पीसीज जो थे, ट्राइनासोर की जो प्रजाति थी, वे आर द लार्जेस्ट इन साइज, वे आकार में बड़े थे। ट्राइनासोर की प्रजाति जो थी आकार में बड़े थे डायनासोर की अपेक्षा। डायनासोर और ट्राइनासोर दो हैं, तो ट्राइनासोर की जो प्रजाति है डायनासोर की अपेक्षा बड़ी है। ट्राइनासोर से वे आर अबाउट 16 मीटर्स लॉन्ग, ट्राइनासोर लगभग 16 मीटर लंबे होते थे। दे मूव्ड ऑन देयर हाइंड लेग्स, हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला पैर, तो दे मूव्ड, वे चला फिरा करते थे पीछे वाले पैर की सहायता से। एंड यूज देयर फोर लेग्स टू कैच देयर प्रे, और चारों पैर का इस्तेमाल करते थे कैच देयर प्रे, वे अपना शिकार पकड़ने में चारों पैर का प्रयोग करते थे चलने में, शिकार वगैरह पकड़ने में। दे इवन द अदर डायनासोर्स, यहाँ तक कि
वे दूसरे डायनासोर को वे ईट कर जाते थे, खा जाते थे, जो छोटे जो प्रजाति में जो होते थे छोटे नस्ल के, तो बड़ा प्रजाति वाला डायनासोर छोटे को खा जाता था, जैसे मछलियाँ करती हैं, बड़ी मछली छोटी मछलियाँ को खा जाती हैं, उसी प्रकार से जो बड़े डायनासोर थे छोटे को खा जाते थे। सम डायनासोर्स लुक्ड लाइक बर्ड्स, कुछ डायनासोर पक्षी की भांति, पक्षी के समान दिखाई पड़ते थे। एट दैट टाइम देयर वॉज नो मैन ऑन द अर्थ, और धरती पर जब मनुष्य नहीं थे, द डायनासोर्स रूल्ड सुप्रीम इन लैंड एंड वाटर। सुप्रीम का माने होता है बॉस, सर्वे सर्वा, प्रमुख, ऑल इन ऑल इसको कह सकते हैं। तो जब मनुष्य पृथ्वी पर जब मनुष्य नहीं था उस समय डायनासोर्स का शासन चलता था, एकदम सुप्रीम होकर के रहते थे, बॉस बनकर के रहते थे जल में और थल में दोनों में। ऑफन ग्रेट बैटल्स वेयर फॉट बिटवीन दीज जाइंट्स, और इन विशाल जीवों के बीच में महान युद्ध होता रहता था, बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे दोनों में। इट इज सेड दैट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो देयर केम ए बिग चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का माने होता है वातावरण। तो ऐसा कहा जाता है कि 65 मिलियन साल के बाद वातावरण में एक बड़ा ही बदलाव आया। क्या बदलाव आया? द क्लाइमेट बिकेम एक्सटर्मली कोल्ड, क्लाइमेट में बिल्कुल, क्लाइमेट जो था बिल्कुल ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, एक्सटर्मली कोल्ड, अत्यधिक ठंडा हो गया। एट मेनी प्लेसेस द लैंड वॉज कवर्ड विथ डीप स्नो, बहुत सारे स्थानों पर जो भूमि थे वह ढक गया घने बर्फ से। मेनी वेट लैंड्स डिसअपीयर्ड, और बहुत से जो नम भूमि थे वे डिसअपीयर्ड हो गए, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। सिंस डायनासोर्स वेयर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हालांकि जो डायनासोर थे ये नर्म खून वाले जानवर थे। दे नीडेड हीट, इन्हें गर्मी की आवश्यकता होती थी फ्रॉम द सन, धूप, धूप में रहना चाहते थे क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते थे, ये धूप गर्मी चाहते थे। टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए, एंड मूव अबाउट, और चलने फिरने के लिए इन्हें गर्मी की आवश्यकता होती थी। व्हेन द एटमॉस्फेयर बिकेम कोल्डर, और जब एटमॉस्फेयर बहुत ही कोल्डर हो गया, ठंडक हो गया, तो देयर बॉडीज बिकेम स्लोअर एंड स्लोअर, तो ठंडा हो जाने से इनका शरीर स्लो हो गया, बहुत शिथिल पड़ गया, धीमा हो गया, और इतना धीमा हो गया, शिथिल हो गया, दे कुड नॉट इवन मूव टू कॉलेक्ट देयर फूड, कि वे अपना भोजन ग्रहण करने के लिए भी इधर उधर नहीं चल पा सकते थे। जिसका परिणाम हुआ, एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ देम डाइड ऑफ हंगर, जिसका परिणाम हुआ कि उनमें से बहुत सारे डायनासोर जो थे वे भूख के मारे मर गए। व्हाइल सम अदर्स डाइड ड्यू टू एक्सटर्नली कोल्ड, कुछ भूख से मर गए और कुछ अत्यधिक मौसम में बदलाव के कारण, अत्यधिक ठंडक हो जाने के कारण मर गए। सून देयर वेयर नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, शीघ्र ही इतना मौसम में परिवर्तन हो जाने से परिणाम इसका यह हुआ कि शीघ्र ही कोई भी डायनासोर संसार में जीवित नहीं बचा। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रोकोडाइल्स वेयर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्रोकोडाइल भी जो थे वे कोल्ड ब्लडेड यानी नर्म खून वाले जानवर थे। व्हेन इट बिकेम एक्सटर्नली कोल्ड, जब अत्यधिक ठंडक हो गया, दे मूव्ड डीप इन टू वाटर, तब वे जब बहुत ही ठंडक हो गया पड़ने लगी पृथ्वी पर, तब वे गहरे सागर की या गहरे नदी की जल की में चले गए। किस लिए? डीप इन टू वाटर टू कीप देम सेल्व्स वार्म, अपने को गर्म रखने के लिए, क्योंकि पानी की गहराई में ठंडक का असर कम रहता है या नहीं के बराबर होता है। जैसे जैसे डीप वाटर में हम लोग चले जाएंगे वैसे वैसे ठंडा हमें नहीं का भास होगा। तो
डायनासोर भी जो थे मौसम ठंडक हो जाने के कारण ये डीप वाटर में चले गए। सुन दे 10 क्रोकोडाइल कंटिन्यू टू लिव, इस प्रकार से जो क्रोकोडाइल थे वे अपने आप को जीवित रख सके। वी कैन सी क्रोकोडाइल्स इवन टूडे, हम लोग आज भी क्रोकोडाइल देख सकते हैं, क्रोकोडाइल देख सकते हैं, डायनासोर नहीं। बट वी कैन नॉट सी ए लिविंग डायनासोर्स नाउ, परंतु हम लोग जीवित डायनासोर को नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी देयर ह्यूज स्केलेटन्स इन द म्यूजियम, हम लोग विशाल उसका कंकाल म्यूजियम में देख सकते हैं। एंड वांडर अबाउट देयर साइज, और उनके आकार प्रकार को देख करके हम वांडर होंगे, आश्चर्य प्रकट करेंगे कि बाप रे बाप इतना बड़ा जैसे कि साइज में होता था। स्टीवन स्पाइलबर्ग ए फेमस मूवी मेकर ऑफ अमेरिका, स्टीवन स्पाइलबर्ग जो था यह फेमस मूवी मेकर था, सिनेमा निर्माता था अमेरिका का, मेड ए मूवी, जिसने एक सिनेमा बनाया, नेम्ड था जुरासिक पार्क, और उसका नाम रखा गया जुरासिक पार्क, इन विच ही ओव ए स्टोरी ऑफ डायनासोर, जिसने एक कहानी डायनासोर पर चलाया, एंड मॉडर्न मैन, और आधुनिक लोगों पर। द फिल्म बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड इट वॉज डब्ड इन मेनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। द फिल्म बिकेम इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है महान रूप से या बड़े रूप से, तो यह जो फिल्म था महान रूप से या बड़े रूप से लोकप्रिय हो गया, एंड इट वॉज डब्ड, और इसका रूपांतरण किया गया, डब्ड माने रूपांतरण करना, इन मेनी लैंग्वेज, अनेक भाषाओं में, इंक्लूडिंग हिंदी, यहां तक कि हिंदी में भी इसका रूपांतरण किया गया। तो इन दिस स्टोरी एंड इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड टू व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे हेल्दी।